जो एक बात यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, जो राजपूतों का इस वक्त गुस्सा है बीजेपी को लेकर, वो कैसे आप आयू स्माइलिंग मुस्कुरा के आप वो सॉल्व कर दे रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, ये जमीन पे नहीं है। कुछ नेता होते हैं जो अपने लिए कुछ मांगते हैं पार्टी से, सबकी बात नहीं हो पाती, तो चुनाव के वक्त उनको लगता है कि एक दबाव बनाया जाए। उसी दबाव बनाने के नीति के तहत एक प्रचार किया गया, वोटर पे उसका कोई प्रभाव नहीं है। और क्षत्रिय समाज की बड़ी भूमिका रहती है इस क्षेत्र में, उनका बड़ा राजनीतिक सामाजिक प्रभाव है। और लोकदल के मैं कह सकता हूं कि भागीदारी हमेशा हमारे दल ने दी है। पिछली बार हम 3 लोकसभा सीट लड़ रहे थे अलायंस में, उसमें से एक मथुरा से हमारे कुंवर नरेंद्र जी हमारे उम्मीदवार थे। इस क्षेत्र की हम बात करें तो हमेशा एक लीडरशिप रही है ठाकुरों की। यहाँ सुखबीर गठीना जी हमारे जिलाध्यक्ष रहे, चौधरी चरण सिंह जी के समय से सक्रिय हैं, आज हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, और उनका बड़ा योगदान और मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। तो ये कहना कि क्षत्रिय समाज का यहाँ लोकदल के साथ पुराना है, बिल्कुल सटीक रहेगा। और बीजेपी में भी लार्जली अगर आप देखें पूरे देश में, तो क्षत्रिय समाज की वोट परंपरागत तौर से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, उसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एमएसपी को लेकर आपने, जैसे आपने किसान क्षेत्र कहा, जब मैंने जाटलैंड कहा तो आपने हमेशा आवाज उठाई है, चाहे आप समाजवादी पार्टी के साथ थे या आप बीजेपी के साथ हैं, आपने किसानों की हमेशा बात आगे रखी है। एमएसपी को लेकर भी आप ये बातें आगे रखते रहेंगे, इस बार लोग आपसे क्या वादा मांगे? एमएसपी बढ़ती रहनी चाहिए और ज्यादा किसानों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए भी हम तंत्र तैयार करें। मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हो, निवेश हो, सरकारी निवेश हो, निजी क्षेत्र में भी कृषि में जो अच्छे इनोवेशन हो रहे हैं, जो प्रयोग हो रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके लिए भी सरकार कारगर पॉलिसी बनाए, इसके हम हमेशा पक्षधर रहे हैं, आगे भी रहेंगे। जयंत, एक सवाल आपसे, ये आपके घर की सीट है, आप क्यों यहाँ से नहीं लड़े, या आपने क्यों अपने परिवार के एक सदस्य को इस सीट से नहीं लड़ाया, और राजकुमार सांगवान जी क्यों? मैं चाहता हूँ कि मेरे दल का विस्तार हो, और मैं चुनाव बागपत से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे प्रत्याशी के ऊपर एक दबाव होता है। तो सांगवान जी, जैसे आज हम लोग एक क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में गांव-गांव वो जा रहे हैं, तो एक तो एक मैसेज गया है पार्टी में निचले स्तर तक कि जो मेहनत करता है उसे आगे संभावना उनके लिए है, और पार्टी उनकी कदर करती है। एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि डॉक्टर सांगवान एक ग्रास रूट वर्कर रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों को संचालित करना, उनको आगे बढ़ाना, चुनावी प्रबंधन करना, ऐसा कोई काम नहीं जो उन्होंने ना किया हो। और सिर्फ राजनीतिक काम नहीं किए, सामाजिक सोच के साथ उन्होंने किए, लोगों की मदद की है। तो एक तो उनके चयन से एक अच्छा मैसेज गया, बाकी फिर मुझे वक्त मिल रहा है, मैं दूसरे क्षेत्र जाके प्रचार कर पा रहा हूँ, और वही मेरी मंशा थी कि पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, हम लोग एनडीए का पूरी ताकत के साथ साथ दें। आज मैं यहाँ बागपत में हूँ, कल मैं मथुरा था, तो लगातार एक बड़े क्षेत्र में मैं प्रचार कर रहा हूँ, राजस्थान में गया हूँ, 2 दिन मैंने राजस्थान दिए प्रचार के लिए। पूरी तरीके से मतलब बीजेपी के साथ साथ जहाँ भी आप अपना जो वोटर बेस है वो भी, आपका वोटर बेस भी बढ़ रहा है बाकी राज्यों में भी, तो एक मैं चाहती थी आप मुझे एक सेंटेंस एक्सप्लेन करें, आपने पटकनी कहा, प्लीज उसका मायना समझाइए, पटकनी मारना क्या होता है? मतलब पछाड़ना, ये कुश्ती की टर्मिनोलॉजी के तौर पे आप देख सकते हो, तो धोबी पछाड़ कहो या जो कहो, कि पटक दिया, कि एक रणनीति के तहत हमने किया है कि अपने आप को मजबूत हम कैसे करें, इसलिए हमने किया है। हम पलटे नहीं, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, और एक राजनीतिक फैसला हमने दिया है अपने लोगों के लिए। आगे चल के क्या चाहेंगे वोटर से? वोट प्रतिशत इस बार पहले चरण में कम रहा है, क्या अपील है आप? उसके कुछ कारण हो सकते हैं, चुनाव आयोग पे इस पे सीरियसली गंभीरता से विचार कर रहा है, कैसे हम प्रेरित करें लोगों को, मतदान जरूर करना चाहिए सबको। मैं भी अपील करता हूं कि अगले चरण में हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा मतदान हो। इसका जो विश्लेषण पॉलिटिकल आप ये कर सकते हो कि जो पक्ष में वोट है वो निकल के आई है, क्योंकि उनमें एक उत्साह दिखाई दे रहा है। हमारे कार्यक्रम में भी आप देख रहे हैं कि बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, और रोज प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इंडिया कहीं जमीन पे प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और हम लोग ऑलरेडी 10-10 मीटिंग जिस क्षेत्र में कर गए थे उसके बाद उनके उम्मीदवारों का चयन हो पाया। तो हमारा वोट निकला है, उन्होंने मतदान किया है,
हो सकता है कि विपक्ष का जो वोटर है वो थोड़ा उदासीन लगा, क्योंकि उनको लगता है कि मुकाबला नहीं है। इसी से कल अखिलेश और राहुल ने अमरोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ढोलक बजा के विदाई करते हैं, तो मोदी जी की विदाई ऐसे होने वाली है। अब ये बातें तो कही जाती हैं मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए उन्होंने ये भी कहा कि कास्ट सेंसस इस भारत का एक्सरे है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, ये सिंपल सोल्यूशन ऑफर किया गया है। कांग्रेस की आदत है इस तरह के नारे देने की, गरीबी हटाओ, और वो कारगर नहीं हो पाए। जब अवसर दिया जनता ने तो वो काम नहीं कर पाए, तो उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। और सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं है कि आपने कास्ट सर्वे कर दिया तो सारे जो अमीर गरीब के फासले को हमने पाट दिया, ऐसा नहीं। एक लिहाज से आप देखें कि एनडीए बात कर रही है विकसित भारत करने, वो एक समाज की बात नहीं, एक जाति की बात नहीं, एक धर्म विशेष की बात नहीं, वो सबकी बात है। तो एक पॉजिटिव एजेंडा है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ हम लोग एक एजेंडा तैयार करके जनता के बीच ले जा रहे हैं। और ये लोग बात कर रहे हैं जो कभी 80-90 के दशक में एक पॉलिटिक्स होती थी, वो वापस वहां पहुंचाना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल, चौधरी चरण सिंह जी को जिस तरीके से सम्मान पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न का दिया गया, उसको लेकर लोग कितने संतुष्ट हैं आपके क्षेत्र में बागपत में? लोग बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो सब पॉलिटिकल मंचों से चौधरी साहब का हम बात दोबारा कर रहे हैं, एक नए सिरे से जो आज का नौजवान है उसे सोचने को मौका मिल रहा है, और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है। वो आपने देखा है कि गूगल पे भी आप सर्च करेंगे, हैशटैग देखेंगे, तो चौधरी साहब इज अगेन रीएमर्ज्ड एज अ पब्लिक आइकॉन। तो हमारी नजर में हमेशा वो थे, वो रत्न थे, किसान की नजर में वो एक बड़े नेता रहे, और हर घर में अभी भी उनकी तस्वीरें लगी हैं, उनके किस्से लोग सुनाते हैं, तो एक उनका बड़ा अपील है हर कम्युनिटी में। अब उसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, संस्थागत तरीके से हम उनके विचारों को लोगों के बीच ले जा सकते हैं। आप अपना जो प्रत्याशी है कितने मार्जिन से जीतता हुआ देख रहे हैं बागपत में, आपका एनालिसिस क्या कहता है? जितना मार्जिन मेरा होता उससे ज्यादा रहेगा। कितना होता फिर भी? नहीं, मार्जिन एक वोट से हो या लाखों से हो, लेकिन मुझे लाखों की उम्मीद है। धन्यवाद जयंत चौधरी, यहाँ पर बेबाक हमेशा बात करते हुए, और फाइनली हमने उनको पकड़ भी लिया बहुत प्रयासों के बाद, लेकिन ये बताते हुए कि बागपत में किस तरीके की स्थिति है, और वाकई में क्या आरएलडी और भाजपा का साथ में आना बहुत फायदेमंद रहेगा दोनों पार्टीज के लिए, अब ये तो जनता ही बताएगी। उम्मीद ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट लोग देने के लिए बाहर आए। नासिर खान के साथ मिलन शर्मा, आज तक।